नमस्कार, रिटर्न और स्वदेश पे अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मनुगिरी। अगले आधे घंटे में मैं बताऊंगा इस हफ्ते भारतीय बाजारों में क्या हुआ और अगले हफ्ते के लिए आपको भारतीय बाजारों में कहां नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते हमने देखा कि भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड बनते हुए दिखे। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, पहली बार निफ्टी ने जो 21,000 के जादुई आंकड़े को पार किया, जो एक इतना स्वदेश ने पिन कोड बनाया था, जब रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा था भारतीय बाजार, पिन कोड 21,000 उसको अब हम हासिल कर चुके हैं। अब तो हम 22,000 की बात कर रहे हैं लगातार। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते भारतीय बाजार में बड़ी तेजी देखने को मिली। इस हफ्ते अगर निफ्टी का रेंज देखिए तो आपको समझ में आया कितनी अच्छी मजबूती देखने को मिली। 20,507 ये एक ऐसा लेवल था जो निफ्टी के लिए बतौर एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा था, 20,500 का। और हमने देखा कि इस हफ्ते निफ्टी ने इसी को बतौर सपोर्ट के तौर पे लिया, यानी 20,507 का इसने लो बनाया और इस हफ्ते का जो हाई था 2106 था, यानी कि करीब 3.5% की मजबूती इस हफ्ते हमने निफ्टी में बनती हुई दिखी। एक शानदार रैली इस हफ्ते निफ्टी में आती हुई दिखी। अब बैंक निफ्टी का रेंज आप देखिए, इस हफ्ते बैंक निफ्टी में हमने देखा इस हफ्ते एक अच्छी मजबूती। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का प्रदर्शन बेहद शानदार देखने को मिला, क्योंकि वजह यह भी था कि हम देख रहे थे निफ्टी तो लगातार रिकॉर्ड हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था, ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे आ गया था, क्योंकि कई बैंकिंग स्टॉक्स जो मैं अभी दिखाऊंगा उस सब समझ जाएंगे मजबूत खरीदारी लौटी, उसके दम पे जो है बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिली। खासतौर पे आप दिखाइए HDFC बैंक, इस हफ्ते हमने उसमें एक अच्छी मजबूती देखी, वो उसने कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की तेजी को इस हफ्ते लीड किया, करीब 6.5% की मजबूती दिखाई। इसके अलावा एक्सिस बैंक को दिखाइए, इसने भी इस हफ्ते बैंक निफ्टी की तेजी को लीड किया और उसकी वजह से हमने देखा एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स थे जहां मजबूती थी, खासतौर पर IT स्टॉक्स में हमने इस हफ्ते अच्छी तेजी देखी, खासतौर पर SCLTech, LTI मंत्री जैसे स्टॉक्स थे जिसमें इस हफ्ते एक अच्छी तेजी देखने को मिली। इस हफ्ते अगर एक बात करें सेक्टर्स की, खासतौर पर मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर्स की, तो उसके कुछ स्टॉक्स मैं आपको बताता हूं जिसमें इस हफ्ते शानदार तेजी देखने को मिली। खासतौर पर आइनॉक्स विंड का चार्ट दिखाइए, इस हफ्ते हमने करीब 27 मिड कैप इंडेक्स देखे, करीब 2.5% की मजबूती। आप कुछ स्टॉक्स देखिए इस हफ्ते मिड कैप स्मॉल कैप 27% की मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए, टाटा पावर भी इस हफ्ते हमने बड़ी तेजी देखी, इस हफ्ते करीब 17-18% की मजबूती देखने को मिली। बैंकिंग में एक स्टॉक देखिए RBL बैंक, वहाँ एक बड़ी तेजी देखने को मिली। AIC में बीते दो सत्रों में एक बड़ी अच्छी मजबूती देखने को मिली है, लगातार मैंने इसको मिटका मसाला में LIC को लेकर चर्चा भी किया था और आज भी देखिए मजबूती देखिए, तो इस हफ्ते करीब 15% के आसपास की मजबूती देखने के लिए। कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइजर कंपनियां थी उसके लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहा। GFC देखिए, RCF देखिए, ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स थे जहां इस हफ्ते हमने एक अच्छी तेजी देखी। समस्या कुछ स्टॉक्स में आई तो कुछ सेक्टर स्टॉक्स थे जहां दबाव देखने को मिला इस हफ्ते। खासतौर पर हमने देखा कि शुगर स्टॉक्स देखिए, पॉजिटिव कुछ नेगेटिव खबरें आई सरकार की तरफ से एथेनॉल को लेके और उसका असर देखने को मिला। शुगर स्टॉक्स में इस हफ्ते करीब बलरामपुर चीनी में 16% गिरावट देखने को मिली। उत्तम शुगर देखे, वहाँ करीब 20-21% की उत्तम शुगर गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा रेणुका शुगर देखे, वहाँ गिरावट देखने को मिली। तो खबरों का असर देखने को मिला। एक और स्टॉक देखे इस हफ्ते जिसमें हमने बड़ी गिरावट देखी, वो था पेटीएम का शेयर, करीब 25% इस हफ्ते कमज़ोर हुआ कह सकते हैं। तो जो बड़ी गिरावट वाले स्टॉक्स थे उसमें कहीं ना कहीं खबरों की वजह से ही गिरावट देखने को मिली, यानी कि ये बता रहा था कि बाजार का जो स्ट्रेंथ है, बाजार स्ट्रेंथ है, मजबूती है और हर ऊपरी स्तर पे एक नई खरीदारी देखने को मिला, बाजार को फिर ऊपर जाता हुआ दिख रहा। जिन कंपनियों के को लेकर निगेटिव खबरें आई उसको कहीं ना कहीं बाजार ने पनिश किया, उन शेयरों में थोड़ा दबाव देखने को मिला। अब यहाँ से बाजार का अगले हफ्ते के लिए क्या नज़रिया बनता हुआ दिखता है, क्योंकि अब धीरे धीरे हम देखेंगे FIIs की वापसी तो हो गई है लेकिन धीरे धीरे छुट्टियों का सीज़न शुरू हो जाता है और उनकी तरफ से जो है फ्लो आना कम हो जाता है, उसका कितना असर देखने को मिला, क्या यहाँ से बाजार थोड़ा ठहरता हुआ दिखेगा, समझते हैं। हमारे साथ जो है रवि सिंह जुड़ चुके हैं और अंशुल जैन जुड़ चुके हैं, इन दोनों से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से बाजार की अब दिशा और दशा क्या रह सकती है। रवि, हमने देखा कि इस हफ्ते बाजार में जो जो मांगे सब मिल रहा था, जो शेयर बोलिए उसमें तेजी थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इलेक्शन के नतीजे ये आएंगे, उसके बाद हमने देखा बाजार में तोड़फोड़ रैली देखने को मिली, हर तरफ रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड का माहौल बनता हुआ दिखा। अगला हफ्ता क्या एक बड़ी तेजी के बाद ठहराव का, स्थिरता का या मुनाफा वसूली का होगा? देखिए, वैसे मैं मनीष जी इसको अगर ऐसे कहूं कि ET स्वदेश ने जो कहा और जो आप लोगों ने एनालिसिस बताया वो हर एक बात सच हुई है, कोई ऐसी बात इसमें गलत निकली ही नहीं है, तो अगले हफ्ते के लिए तैयारी में भी हमको लग रहा है बातें सब छोटी हुई नजर आएंगी। जी बोलिए। शुक्रिया सर जी। अब देखिए, इस समय निफ्टी का जो लेवल है और जो बैंक निफ्टी यहाँ पर जिस हिसाब से अग्रेसिव तरीके से बिहेव कर रहा है, मुझे लगता है कि आप अगला 15 दिसंबर के बाद से 15 जनवरी तक इंटरनेशनल छुट्टियां हो जाती हैं, लोग छुट्टियों
पे चले जाते हैं न्यू ईयर एंजॉय करने के लिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है रैली बिगिंस हुई है अभी अभी, इसको अभी ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के कोई संकेत दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता भी नहीं कि FIIs, रिटेलर या फिर DIIs यहाँ पर पैसा बाहर निकालना चाहते हैं। मुझे लगता है वो और अग्रेशन यहाँ पर दिखा रहे हैं और अग्रेसिव तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी का टारगेट अब नेक्स्ट हमें 21,500 की बात करनी चाहिए, बैंक निफ्टी को वापस 48,000 की बात करनी चाहिए, और अगले हफ्ते थोड़े से वॉल्यूम ड्राई जरूर हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर मोमेंटम बाय रहेगा। इस बार रेजिस्टेंस देखते हैं, देखिए 21,100 का रेजिस्टेंस है निफ्टी में टेक्निकली लेवल पर। यहाँ पर देखते हैं सपोर्ट की बात कर ले तो 20,900 और 950 ये बीच का लेवल काफी स्ट्रांग सपोर्ट के तरीके से नजर आ रहा है। तो मनीष जी, मुझे लगता है मोमेंटम तो जबरदस्त रहेगा और बैंक निफ्टी उसमें जो है वो साथ देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कंपोनेंट में अगर जाते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट आप देखिए तो सभी, चाहे वो ICICI बैंक हो, SBI हो, HDFC हो, ये अब एक नए चैनल की तरफ मूव कर रहे हैं और इनके जो मोमेंटम है वो मुझे लगता है कि यहां से भी अभी अपवर्ड मोमेंटम और गेन कराते हुए नजर आएंगे। सीधे तौर पर यह रहा था कि बाजार में मजबूती देखने को मिल सकती है और चार्ट सब देखिए इस हफ्ते बैंकिंग स्टॉक्स में, पहले आप परेशान कर रहे थे अब शानदार तरीके देखने को इस हफ्ते। अंशुल, जिस तरीके से हमने देखा बाजार में तेजी को लेकर और मिड कैप के साथ साथ अब लार्ज कैप शेयरों में भी तेजी आ रही है, लोग मिड कैप में तो लोगों का बहुत पैसा बना है, क्या आपकी ये राय है कि तेजी के बाद जब हम रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रहे हैं कुछ पैसा मिड कैप स्मॉल कैप से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करके कई सारे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जिसमें जाया जा सकता है उस पे मूव कर जाए? नमस्कार मनीष जी, देखिए मंडे को जब ईटी नाउ पे मैं आया था तब भी मैंने कहा था कि यहाँ पे मोमेंटम काफी हद तक बचा हुआ है, लेकिन ये वीक का जो लेटर हाफ है हम एक रेंज में स्पेंड करेंगे और निफ्टी ने 20,850 और 20,970 की रेंज में टाइम स्पेंड किया है चार दिन का और उस रेंज के ऊपर आके क्लोज किया है और बैंक निफ्टी में जो रेंज बनी है 47,250 और 47,218 थी और नीचे में 46,500 के आसपास और बैंक निफ्टी भी आखिरी एक घंटे में अच्छी रैली लेके रेंज के अपर एंड पे क्लोज की है। तो अभी मोमेंटम यहां से बचा हुआ है, निफ्टी बहुत आराम से 21,200 पे पहला रेजिस्टेंस लेगा और उसके ऊपर फिर 21,500 पे, तो स्टीम रैली और मोमेंटम तीनों चीज बची हुई है। हालांकि मिड कैप निफ्टी जो सिलेक्ट मिड कैप निफ्टी है वो 10,000 के स्तर पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रही है, 3-4 दिन कंसोलिडेशन के बाद वहां भी वापस से अपमूव आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्रॉडली बैंकिंग सेक्टर में अगर लार्ज कैप में रहना है तो बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली ICICI बैंक में एक बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है, VCP का पैटर्न है, वहां पे लॉन्ग कर सकते हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आपके शेयर्स प्रॉफिट में है तो जरूर बने रहना चाहिए, लेकिन अगर रिकॉर्ड हाई पे भी शेयर्स अगर लॉस में है तो फिर आप अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में है उनसे निकल के आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में आपको एंटर करना चाहिए, जिसमें एक स्टॉक मेरे को लग रहा है IFCI, इसमें VCP का पैटर्न है और ब्रेकआउट जो आया था वो लगभग 400% की वॉल्यूम राइज थी 50-डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट, 27 के आसपास इसकी बाइंग रहेगी, 25.5 का स्टॉप लॉस और 32.5 का टारगेट। तो ये दोनों लार्ज कैप में ICICI और मिड कैप में IFCI ये दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो पैसा अगर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल काफी अच्छा है। IFCI मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी जल्दी आप फटाफट कॉल बताना शुरू करेंगे, चलिए आपने बता दिया तो हमारे दर्शकों कल के लिए अच्छी बात है। IFCI का टारगेट स्टॉप लॉस फिर से बताइए आप। देखिए IFCI का स्टॉप लॉस 25.5 आएगा और टारगेट 32.5 रुपए आएगा, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है 10 दिन का, बट श्योरली टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा। देखिए फटाफट मेरे प्रोड्यूसर ने जो है IFCI का कॉल डाल भी दिया, 32 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी, VIP के तौर पर उन्होंने बताया। ICICI बैंक भी पसंद आ रहा है उनको, 1024 का लक्ष्य होगा, 998 का होगा। जिस तरीके से अंशुल ने बैंक की बात की और अभी आपने भी बताया कि तेजी यहाँ से देखने को मिल सकती है इस हफ्ते, बैंक के सारे स्टॉक्स देखिए, HDFC बैंक हो, XX बैंक हो, कोटेक हो, ICICI बैंक हो, SBI, सरकारी बैंकिंग क्षेत्र में क्या तेजी इस हफ्ते देखने को मिली, SBI हो, इंडियन बैंक हो, केनरा बैंक हो, यूको बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सब में तेजी देखने को मिली इस हफ्ते के लिए। जैसे इन्होंने ICICI बैंक बताया अंशुल को मजबूत लग रहा, रवि आपको कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स मजबूत लग रहा यहाँ पे? देखिए अगले हफ्ते के लिए पूछ रहे हैं राइट जी, आप तो अगले हफ्ते की बात करेंगे जी। देखिए अगर अगले हफ्ते के लिए देखते हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर मूव जो है वो डायरेक्शन थोड़ा चेंज करना चाहूंगा। अग्रेसिव बैंक में अगर देखना है तो मुझे SBI थोड़ा और ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा है, 680 के टारगेट नजर आ रहे हैं और
दूसरी तरफ थोड़े छोटे बैंकों की तरफ मैं मूव करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपको मैं बताऊं, डीसीबी बैंक है, इस समय 121 रुपए चल रहा है, 130 का दमखम रखता है, तो मुझे वो अच्छा लग रहा है। आपने बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की, तो मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अट्रैक्टिव लेवल लग रहे हैं। 240 के लिए काफी अपवर्ड खुला हुआ है, लोअर साइड पे जाते हैं तो 200 190 के नीचे जाने का स्टॉक दिखाई नहीं देता। तो मुझे ये दो बैंक और SBI अगर बड़े में जाना है तो इस तरीके से अगर पोर्टफोलियो को करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा रहेगा। और उम्मीद है छोटे बैंकों की तरफ थोड़ा भरोसा अभी जताएं, क्योंकि मार्केट चूंकि जब हाई पे होती है तो जब डायरेक्शन डाउन जाता है तो थोड़ा पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। लेकिन जो छोटे बैंक है, जैसे डीसीबी बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, फेडरल बैंक है या बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें उतना ज्यादा आपको जो है वो डाउन नहीं देखने को मिलेगा, और तेजी आई तो तेजी का पूरा मजा मिलेगा। से तो मैं छोटे बैंकों पे भरोसा जता रहे हैं रवि अगले हफ्ते के लिए, और इसमें उनको एक पसंद है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा उनको लगता है मजबूती दिखा सकता है, 240 का लक्ष्य वो मान के चल रहे हैं। इसके अलावा DCB बैंक उनको पसंद आ रहा है, उसमें भी वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। आज हमारे जो है जानकार पूरे फॉर्म में एक के बाद एक जो है कॉल बता रहा है, DCB में 130 का लक्ष्य बता के चलने, उनको मजबूती देखने को मिल सकती है। अब एक और इंडेक्स देखते हैं। इस हफ्ते हमने देखा IT, फाइनली निफ्टी की तेजी को कह सकते हैं कि इस हफ्ते किसी ने बचाया, संभाला, ऊपर खींच के ले गया, वो IT स्टॉक्स थे। IT इंडेक्स अच्छी बात है कि 2 महीने के ऊपरी स्तर पर अब कारोबार कर रहे हैं, करीब 2.5% की मजबूती दिखाया है। SCL टेक ने, LTI माइंडट्री जैसे स्टॉक्स ने लीड किया पूरी तेजी को, हालांकि इन्फोसिस, TCS जैसे स्टॉक्स में भी हमने खरीदारी देखी। आपकी राय में अंशुल, IT स्टॉक्स में से यहाँ से क्या किसी मिड कैप स्मॉल कैप IT आपको पसंद आ रहा है, या लार्ज कैप IT के साथ आप जाना चाहेंगे अगले हफ्ते के लिए? कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है तो बता सकते हैं आप। देखिए, मैं लार्ज कैप IT के साथ जाना ज्यादा पसंद करूंगा। दो स्टॉक मेरे फेवरेट आ रहे हैं, हमने ऑलरेडी 2 दिन पहले अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था। पहला इंफोसिस है, इंफोसिस में हमें तेजी लग रही है 1520 रुपए के आसपास तक। और दूसरा स्टॉक परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट में 4 हफ्ते से टाइट क्लोजिंग आ रही है और आज के सेशन में इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। यहां से बाई करना चाहिए, ऊपर में टारगेट 6700 से 6800 तक के बीच में मिलेंगे। परसिस्टेंट मेरी ज्यादा अच्छी चॉइस होगी, सेकेंड नंबर पे मैं इंफोसिस रखना चाहूंगा। तो पहली चॉइस अंशुल की तरफ से IT में परसिस्टेंट है, नज़र बना के चलिए अगले हफ्ते के लिए। एक पूरी लिस्ट है, आप लोग, मैं तमाम दर्शकों को कहूँगा कि आप भी पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, जितना आपने नोट किया नोट किया, बाकी आप YouTube पे वीडियो देख के वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ये पूरी लिस्ट बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले हफ्ते के लिए कौन से शेयर हैं जिसमें तेजी देखने को मिल सकती है, और आप उसके हिसाब से अपने ट्रेडिंग का, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का जो है आइडिया आप कर सकते हैं, उस पर आप ट्रेड करके चल सकते हैं। तो परसिस्टेंट और इन्फोसिस दो शेयर पसंद आ रहे हैं। इन्फोसिस को लगता है अंशुल को 1520 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, परसिस्टेंट में उनको लगता है कि 6800 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। इन दोनों में उनको परसिस्टेंट पसंद आ रहा है। रवि, मुझे एक ब्रेक लेना है 30 सेकंड में, सिर्फ चैलेंज है आपके लिए। IT में कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है? दो शेयर हैं, मैं 30 सेकंड नहीं 15 सेकंड ही लूंगा। जेंटेक 743 रुपए चल रहा है, 850 के टारगेट के लिए, पहला। दूसरा FSL, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, 175 रुपए चल रहा है और अच्छा मोमेंटम निकला, मुझे लगता है 190 के टारगेट आ सकते हैं। और स्टॉप लॉस दोनों के केस में अगर 2% 1.5% का स्टॉप लॉस ले, 5% टारगेट, तो ये दो स्टॉक बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन खरीदारी कीजिए, इसमें 5% का टारगेट लगा लीजिए खुद से, 2% का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना। और जेंटेक भी पसंद आ रहा है, उनको लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है, 850 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। इस हफ्ते कमजोरी देखने को मिली थी, अच्छा गिरावट देखने को, तो मौका मिलेगा आपको खरीदने का। जेंटेक पर नज़र बना के चल सके, 2% का स्टॉप लॉस लगा लिए, 850 तक का उनको लक्ष्य देखने को मिल सकता है, यानी 14 रुपये का आपको नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। हमने सारे शेयरों पर चर्चा की है, बैंकिंग सेक्टर्स की बात की, निफ्टी की बात की, IT स्टॉक्स की बात की, कई और सारे सेक्टर्स बचे हुए हैं जिसमें एक्शन इस हफ्ते देखने को मिला और अगले हफ्ते भी देखने को मिलेगा। ये कौन सा सेक्टर है, कौन सा शेयर है, चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सामान्य तौर पर यह ट्रेंड देखने को मिलता है, जब बाजार में तेजी आती है ना, तो कुछ ऐसे हाई बीटा नेचर के स्टॉक्स होते हैं जिसमें बहुत तेजी देखने को मिलती है। और इस हफ्ते हमने रियल्टी इंडेक्स में भी देखा रिकॉर्ड हाई तेजी देखने को मिली, रिकॉर्ड हाई पर रियल्टी इंडेक्स ट्रेड भी कर रहा है। सुबह जैसे स्टॉक्स देखिए, सुबह में हमने देखा था कि पिछले दिनों मुनाफा से देखने को मिली, तो वापस से खरीदारी लौटी। सुबह प्रेस्टीज स्टेट जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली, रियल्टी स्टॉक्स में जिस तरीके से इस हफ्ते हमने रवि खरीदारी देखने को मिली है। ब्रेक पर जाने से पहले तो मैंने कहा था 30 सेकंड में जवाब दीजिए, लेकिन इस बार आपके पास है, जवाब दीजिए आप कि रियल्टी इंडेक्स में हमेशा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ जब भी आप आते हैं, यहाँ से और कितनी तेजी बाकी, और
हर बार जब आते हैं हम तो नए ऊंचाई पे तमाम शेयर होते हैं। आपने भी कई स्टॉक्स बताए हैं मुझे याद अच्छे से, उन तमाम शेयर में हमने अच्छी रैली देखी है। शोभा हो, लोढ़ा हो, DLF हो, प्रेस्टीज एस्टेट्स हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, सब में तेजी है। क्या राय होगी? बिल्कुल मनीष जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। और इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि आपके बड़े फैन हैं, शायद आपका ये शो जो है वो रात को रिपीट टेलीकास्ट होता है, तो कई बार लोग रात में कॉल करके पूछते हैं कि सर अब ये अभी भी खरीद लें। मैंने कहा भाई मार्केट तो कल खुली है तो सर ऐसे शुक्रिया, फीडबैक आते हैं ये स्वदेश का कमाल है ये। जी तो DLF की एक बार बात कर ले तो मनीष जी देखिए, DLF में मैंने टारगेट पहले भी 680 का दिया है, 650 चल रहा है और अभी भी उसी टारगेट पे यहाँ पर फोकस करेंगे। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है 635 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर काफी सटीक है, जिसे आप लेकर चल सकते हैं। मोमेंटम अभी रहेगा और इनफैक्ट अगर आप लंबा मुझसे पूछें, अगर 3 से 6 महीने के हिसाब से देखें तो 750 इस बार ये काउंटर आपको जाता हुआ नजर आएगा। दूसरा, इस समय सनटेक देखते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में है, आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी देखने को मिली है, लेकिन रियलिटी काउंटर में इसमें कंसोलिडेशन हो रही है। तो आपको अब कोई स्टॉक बताऊं जो चल चुका हो उससे ज्यादा अच्छा है कि आप इसमें एक चेक लगाइए, आपके लिए भी एक्सरसाइज है। जब ये 500, अभी 493 रुपए चल रहा है, जैसे ये 500 रुपए के ऊपर निकलता है बिना सोचे समझे बाय कर लीजिए, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 540 रुपए पे जाके प्रॉफिट बुक करेंगे, ये होगा ट्रेड। जब तक ये ऊपर नहीं निकलता तब तक आप यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। तीसरा स्टॉक जैसे लोढ़ा का अपडेट भी दे देते हैं, क्योंकि लास्ट वीक भी मैंने इसको रिकमेंड किया था जब वो था, अभी के हिसाब से देखते हैं मुझे लगता है 1050 के आसपास तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इस समय देखिए तो 15 मिनट के चार्ट पे यानी इंट्राडे पे जो क्लोजिंग आई है, ये BTST में भी बहुत अच्छा होता अगर पहले हम लोग कर रहे होते तो, लेकिन फिर भी 900 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर आप 960 रुपए का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो काउंटर है इनमें फोकस रखिए और बाकी तो और हम चर्चा कर ही रहे हैं जिनमें आपको और बढ़ाना चाहिए स्टेक। पर लोडा में खरीदारी करने के सलाह 900 का स्टॉप लॉस लगाना है। लतीफ जो मैं प्रोड्यूसर, मैं आपसे कहूँगा कि 900 का इसमें स्टॉप लॉस लगाइए, 960 का इसमें टारगेट होगा खरीदारी करने के सलाह। इसके अलावा सनटेक रियल्टी पसंद आ रहा है, उनको लगता है कि मौका है, इसमें भी नज़र बना के रखिए। इन्होंने सीधे तौर पर कहा रवि ने कि 500 के ऊपर जाता है, तो अगर रवि अगर शो कर रहे होंगे स्वदेश में तो मैं पक्का उनको रिमाइंडर दिलवाऊंगा कि 500 के ऊपर आगे अब क्या करना है। तो सनटेक रियल्टी, उनको उनका मानना है कि 500 के ऊपर आकर खरीदारी कीजिए, मजबूती देखने को मिल सकती है। और DLF पसंद आ रहा है, 750 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह भी। अब जल्दी से देखते हैं VIP स्टॉक्स। अंशुल, आपने कई सारे स्टॉक्स हमें बता दिए, जहां तक परसिस्टेंट बताया, इन्फोसिस बताया, इसके अलावा और भी आप कई सारे स्टॉक्स हम बता चुके। क्या इसके अलावा कोई और शेयर जो आपको लगता है बतौर VIP निवेश के लिए कोई पसंद आ रहा है, या वही उन्हीं शेयरों को मैं दिखा दूं? जी मनीष जी, एक इंडिया बुल रियल एस्टेट है, जो आपने रियल एस्टेट इंडेक्स की बात की थी। एक छोटा सा VCP पैटर्न फॉर्म हुआ है और एक्सट्रीम राइट पे 23 नवंबर का हाई लो था, उस कैंडल के अंदर 8 दिन स्पेंड करने के बाद आज ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट पे वॉल्यूम 500% इंक्रीज है 50-डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट, और एकदम स्ट्रांग कैंडल के साथ क्लोज हुआ है। 20 रुपए का VCP पैटर्न है, 90 पे ब्रेकआउट है तो 110 रुपए का मिनिमम टारगेट बनेगा। और दूसरा मेटल से JSL है, जिंदल स्टील, इसमें VCP की एकदम कंप्लीट हो चुका है और पिछले 3 दिन से इनसाइड बार है परसों की रेंज के अंदर। इसमें जैसे ही 547 के ऊपर निकलता है ब्रेकआउट आएगा, एक स्टॉप लॉस बनेगा 520 का और 620 रुपए तक का बहुत शॉर्ट टर्म में टारगेट आएगा। तो ये दोनों स्टॉक्स मेरे नेक्स्ट वीक के लिए पिक्स में रहेंगे, एक IFCI के साथ। तो IFCI के साथ इंडियाबुल्स रियल एस्टेट खरीदारी करने के साथ जिंदल स्टील पावन को पसंद आ रहा, वहां भी मजबूती देखने को मिल सकती है। रवि जल्दी से बता दीजिए आपके तरफ से कोई VIP स्टॉक। देखिए आपने वैसे तो चर्चा कर ली है, पहला नाम आपने लिया था याद होगा LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC का लिया था, LIC हाउसिंग फाइनेंस देख लीजिए 530 रुपए के पास मैंने पहले तो बाय दिया था लेकिन तब तक निकल चुका है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 550 के टारगेट, स्टॉप लॉस को अब इंक्रीज कर लीजिएगा, 520 कर लीजिएगा। दूसरा स्टॉक JSW तो उन्होंने दे दिया, JSW स्टील को ही क्यों छोड़ा जाए, इसको भी बाय कर लेते हैं, 840-45 के पास टारगेट होगा 890 रुपए का और स्टॉप लॉस रखिएगा 820 का। तो ये स्टॉक अगले वीक के लिए आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म दोनों में काम आएंगे। तमाम स्टॉक्स आज VIP स्टॉक जो है ना, सामान तौर पर हम दो ही बताते हैं, दो या चार मैक्सिमम, आज तो करीब 7-8 हो गए हैं। तो ये तमाम स्टॉक्स आप देख रहे हैं, JSW स्टील खरीदारी करने की रवि ने सलाह दी 890 के लक्ष्य के साथ। इसके अलावा ये DCB, IFCI जैसे स्टॉक्स भी
रवि ने कहा, अंशुल ने खरीदारी करने की सलाह दी, तमाम स्टॉक्स है। और कोई स्टॉक्स मिस कर गया हो चूंकि समय की कमी है, आप यूट्यूब पे जाइए, तमाम शो देखिए और वहाँ अपने सवाल भी पूछ सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं। तो समय की कमी है तो फटाफट आप दोनों दर्शकों को जानकारों को थैंक्स करते हैं। रवि आपका शुक्रिया, अंशुल आपका भी शुक्रिया, बेहद कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों पर अपनी राय देने के लिए। अगले हफ्ते की तैयारी में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।